37 से एंगल मैंने वर्टिकल के साथ बनाया है। एंगल किसके साथ बनाया? वर्टिकल के साथ। ये वाली आपको हाइट बतानी है जिसको टच करके जा रहा है, एक टावर को टच करके जा रहा है, और वो टावर यहाँ से 10 मीटर दूर है और इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस टावर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस टावर करो सब लोग। सर माइक ऑफ है। सर माइक म्यूट है आपका। सर माइक म्यूट है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कर सकते हो। ट्रेजेक्ट्री 12.7। हाँ, जिसमें एक्स आपके पास 10 है, टेंजेंट 53 कितना होता है? ये वाला ट्रायंगल माइंड में आ जाना चाहिए। 4/3 4/3। जी कितना? 10। एक्स कितना? 10 का स्क्वायर। यू कितना? 2500। और कॉस 53 कितना होता है? 3/5। 3/5 9/25। अब इससे जो भी आएगा वो आंसर होगा। ये मेरे पास बनेगा 40/3। इसको काट दिया, 100 पे गया, ये 0 पे गया, तो ये अपने पास बन गया माइनस एक। 10 से 10 कट गए, ये 5। चेक करना 5/9 बन रहा है क्या? यस यस। 9 यहाँ से ले लो, ये बनेगा 120-5। आंसर इज 115/9। किस किस का आंसर? ये 7। यस यस सर। आप दूसरा मेथड भी लगा सकते थे जो मैंने कल बताया। आप रेंज वाला भी लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए रेंज निकालनी पड़ेगी आपको। फिर पहले रेंज निकालनी पड़ेगी। यहाँ रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? U square by G 2 sin theta cos theta। यहाँ से आप रेंज निकाल लें, रेंज बनेगी 2500/10 टू 3/5 4/5। इस 25 से ये 10 रहेगा, तो मेरे पास कितना बनेगा? 240 आ रही है क्या रेंज? बेटा आप रेंज पहले निकाल के इसमें भी पुट कर सकते थे। ये बनेगा 4/3 1-10/240। इससे भी आंसर।
तो इतना सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट सिचुएशन, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो आज। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो अभी सॉल्व नहीं होंगी आपसे। मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल है, और ये क्रॉस कर रही है दो टावर को, इक्वल हाइट के दो टावर है, इक्वल हाइट के दो टावर को ये प्रोजेक्टाइल क्रॉस कर, इनके बीच में ये वाला एंगल आपको दिया हुआ, लेट द एंगल इज 37। एंगल कितना है? 37। जब यहां से यहां प्रोजेक्टाइल गई, यहां से यहां, उसको लगा 5 सेकंड ए से बी जाने में, ए से बी जाने में उसको 5 सेकंड लगे। अगर आपके पास ये वाली वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? ओ से ए, व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम ओ टू ए? और अगर इनकी हाइट हमें दी हो दोनों की, लेट की ये 20-20 मीटर की हाइट के, तो ये क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे? आपसे ओ से ए का टाइम पूछ लेंगे, ओ से बी का टाइम पूछ लेंगे। एक बार ये सब मैं करवा देता हूँ एकदम। आपको पता है कि इसको ऊपर ले जाने वाला कंपोनेंट क्या कौन सा होता है? 100 साइन 37, 3/5 करेंगे तो 60। वाई का फॉर्मूला क्या बनेगा? 60t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और वाई भी मुझे पता है 20 दिया हुआ, तो 20 इज इक्वल टू 60t माइनस 5t स्क्वायर। 5 से मैं काट दूं 4, 15t ये 12 आएगा, 12 माइनस टी स्क्वायर विच बिकम्स टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंच जाओ सब लोग, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ। टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अब आपने ना टेंथ के अंदर क्वार्ट, सबने क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई है टेंथ में? यस सर। हर क्वाड्रेटिक के दो रूट होते हैं, t1 और t2, और सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए 12, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? सी बाय ए 4। इतना समझ में आ गया? यस तो क्या यहां से हम t1 और t2 नहीं निकाल सकते? दो इक्वेशन है आपके पास, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके t1 टाइम कौन सा टाइम होगा? यहां से यहां तक जाने का टाइम, और t2 टाइम कौन सा होगा? यहां से यहां तक जाने का टाइम। तो बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशन, इसमें ये 5 सेकंड काट दो, ये नहीं दिया हो नहीं तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसमें ये 5 सेकंड काट दो, आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है? चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, t1 माइनस t2 का स्क्वायर इक्वल टू t1 प्लस t2 का स्क्वायर 4t1t2, पढ़ी है या नहीं?
T1 माइनस T2 का स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर खोल के देखो, तो काटोगे तो बराबर आ जाएगा। ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है T1 प्लस T2, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट की 144 और यहाँ से 16 को माइनस कर दिया, ये मेरे पास क्या आ गया, T1 माइनस T2 आ गया अंडर रूट में, कितना माइनस करके देखो 128, कितना आ गया 120। अब T1 प्लस T2 भी पता है, T1 माइनस T2 भी पता, दोनों को ऐड कर लो, T2 कट जाएगा T1 आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू पुट करके आप दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे सॉल्व। किसी को पूछना है इसमें, बोलिए। अब तुम्हारा डाउट बोल दो बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 7th, बेटा कोई भी डाउट बोलो, आपका प्रोजेक्टाइल का पढ़ाओ। सर 7th क्वेश्चन, पेज नंबर बोलो, अनसोल्ड 7 है क्या? यस सर, 4.53 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ, सब लोग नोट कर लेना क्वेश्चन को। स्टेटमेंट इज, अ फुटबॉल इज किक 20 मीटर पर सेकंड एट अ प्रोजेक्शन एंगल 45। एक फुटबॉल को किक किया गया 45 डिग्री एंगल, डायग्राम मैंने बनाया। सर ब्लर आ रही है सर, सॉरी। यस सर, स्क्रीन ब्लर आ रही है। यस सर, ब्लर आ रहा है क्या सारा? यस सर, ब्लर हो गया। यस सर, नेटवर्क चेंज करता हूँ। आ जाएगा नेटवर्क, बदला तो टाइम तो लगेगा। दिख रहा है क्या आपको ये? ओके, 45 डिग्री से इसको मैंने फेंका फुटबॉल को 20 मीटर पर सेकंड। फिर वो कह रहे हैं रिसीवर ऑन द गोल लाइन 25 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ किक, किक की डायरेक्शन से 25 मीटर दूर एक रिसीवर जिसने बॉल को रिसीव करना है, ये मैंने बना दिया, ये फुटबॉलर एक, ये यहां से 25 मीटर दूर खड़ा, जैसे बॉल मूव कर रही है ना हवा में, ये बॉल जा रही है, बॉल इज मूविंग, उधर से ये भी दौड़ना शुरू कर देते, और ये चाहता है कि बॉल को गिरने से पहले ये उसको रिसीव कर ले, मतलब जितना टाइम बॉल को यहाँ आने में लगेगा उतना टाइम इसको इस रेंज में से 25 माइनस कर दो, उतना टाइम इसको यहाँ जाने में लगे। क्या ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई? आपको ये बताना है कि इसके पास कितनी स्पीड से दौड़े कि जितने टाइम में बॉल यहाँ आई है उतने टाइम में ये यहाँ पर, ये सिचुएशन है। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया कैसे करना है। पहले तो आप बॉल का टाइम निकाल लो, वो है टाइम पीरियड 2u sin θ/g, उतने ही टाइम में ये दौड़ेगा, उतने ही टाइम में ये दौड़ेगा, इसको मतलब 2u 220 g 10 ले लो, sin 45 √2 ले लो, काट दो कुछ कटता है तो, ये आपके पास 2√2 टाइम आ गया जिसमें फुटबॉल ग्राउंड पे आएगी। अब ये बंदे को भी इसी टाइम में यहाँ दौड़ना है, पहले आप रेंज निकाल लो कितनी है, रेंज भी मैक्सिमम ही है, साइन 45 1 होता है, यू कितना है यहाँ 20 का स्क्वायर, तो रेंज है 40 मीटर,
तो ये बंदे को कितना दौड़ना पड़ेगा, 25 मीटर तो ये पहले आगे खड़े है, इसको 15 मीटर दौड़ना पड़ेगा। मैन को 15 मीटर किस स्पीड से दौड़ना है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम आपने अभी निकाल लिया टू रूट टू, तो मैन को दौड़ना पड़ेगा 15 बाय टू रूट टू मीटर पर सेकेंड पर। चेक करना आंसर, रिपीट कर दूंगा अगर नहीं समझ में आया, पर आंसर चेक करो। तो सेवंथ का 5.4 समथिंग है ना, आ जाएगा यहाँ से, ये 1.4 होता है, 1.4 तो अप्रोक्सीमेटली 3 के आसपास हो गया, 3 होता तो 5 बनता, थोड़ा कम है तो 5 point something, तो दिस इज द आंसर। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, सिचुएशन को समझो पहले, सिचुएशन को, एक फुटबॉल को यहां से किक किया गया, ये फुटबॉल दिखाया मैंने, और 45 डिग्री के एंगल पे फुटबॉल को किक किया गया। एक बंदा यहां से दौड़ना शुरू करता है और ये ऑलरेडी 25 मीटर आगे खड़ा हुआ, ये चाहता है कि जब फुटबॉल ग्राउंड पे आए तब ये वहां पर ही हो जहां फुटबॉल है, मतलब इसको ये वाला डिस्टेंस कवर कर। अब ये डिस्टेंस है कितना, टोटल रेंज मैंने निकाल ली 40 मीटर थी, तो ये वाला डिस्टेंस 15 मीटर है। जितने टाइम फुटबॉल को लगेगा ग्राउंड में आने में, उतने टाइम इसको लगेगा यहां जाने में। फुटबॉल का टाइम 2√2 था, अब ये कितनी स्पीड से दौड़े, कितनी स्पीड से दौड़े कि उस फुटबॉल तक उसी टाइम में पहुंच जाए। दिस इज माय आंसर, किसी को डाउट है तो पूछो। एनीबॉडी, किसका डाउट था पहले, क्या उसको क्लियर हो गया? नेक्स्ट डाउट बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर। 11 11th किसका है, नाम भी बोलो सर। अनुराग, अनुराग 11th, 11th की स्टेटमेंट, प्रूव दैट द टाइम ऑफ फ्लाइट पी बेटा, मंडे को ना तुम्हारा टेस्ट होगा प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स का ओनली, नोट कर लो सब लोग, ओनली न्यूमेरिकल्स का टेस्ट, कोई भी थ्योरी नहीं पूछूंगा ऑफ प्रोजेक्टाइल। सब्जेक्टिव होगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, 6 क्वेश्चंस दूंगा और आपको 5 करने होंगे, 25 मार्क्स का टेस्ट होगा। बुक से नहीं डालूंगा, पहली चीज, क्वेश्चन वही होंगे, कंसेप्ट वही होंगे, प्रैक्टिस आपने बुक से करनी है। मैं मेरे क्वेश्चन बनाऊंगा जहां मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है तुम्हारे से, हर एक क्वेश्चन में चांसेस हैं कि आप गलती करेंगे, बट आपने करनी नहीं है। इस पेपर में 25 नंबर में से अगर आपने 18 प्लस चले गए तो आप एक्सीलेंट होंगे, ध्यान रखो, और 10 से नीचे रह गए तो मैं पेरेंट्स बुला लूंगा मेरे यहाँ कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा। बिलो 10 पेरेंट्स, अबव 18 गुड, और कोई 20 जाता है और कोई 25 चला गया इसमें, वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा। ओ जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं उनकी तो प्रैक्टिस वैसे ही चल रही है, सेम टॉपिक चल रहा है, उनको तो ज़्यादा एफर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, अपनी शीट को अच्छे से कर लेंगे तो उनको टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। जो सिर्फ थ्योरी कर रहे हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट टाइम, ये टेस्ट किस पे होगा, क्या कह रहे हो,
टेस्ट गूगल फॉर्म पे होगा सर, बिट्स पे होगा या गूगल फॉर्म पे? बेटा सब्जेक्टिव टेस्ट गूगल फॉर्म पे नहीं होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट आपको व्हाट्सएप किया जाएगा, पेरेंट्स की प्रेजेंस में आपने करना है और वहां से आप मुझे वापस कॉपी करके भेज दोगे। ओके सर। ओके सर। पर पिक्स भी भेजनी है और कॉपी सेंटर पे भी भेजनी है आप। ओके सर। जो बाहर से वो तो नहीं भेज पाएंगे, वो अपने पिक्स भेज दो। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट टाइम ऑफ फ्लाइट टी एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इज रिलेटेड बाय दिस रिलेशन, जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2R चेंज इन थीटा। ये प्रूव करना बेटा, जब प्रूव करना हो ना, जो जो वेरिएबल दिए हैं वो ले लो, उसी से आप उसको चेक कर लो। इसमें मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2V sin थीटा / g। इसमें मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का स्केयर चाहिए, देखो चेक करो, यही आप स्केयर भी कर लो, 4V square। आपको एक तरीका बता रहा हूँ कैसे प्रूव करना होता, अपनी तरफ से इक्वेशन वन कर लो, इसमें रेंज भी चाहिए, तो आप रेंज का भी फॉर्मूला लिख लो, वो होता है u² / g 2 sin थीटा cos थीटा। इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दिया करो, अपने आप रिलेशन प्रूव हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना, ये दोनों उसी सेंस में लेना, इधर टी स्केयर है तो टी स्केयर लेना, आर है तो आर, दो ही वेरिएबल है, आप एक बार दोनों को डिवाइड कर दो, टी स्केयर बाय आर, कुछ कट जाएगा कुछ बच जाएगा, अपने आप प्रूव हो जाएगा। देखो डिवाइड करते ही यू स्केयर से यू स्केयर गया, एक जी से एक जी गया, एक साइन थीटा एक साइन थीटा से चला गया, तो मेरे पास बचा क्या, साइन थीटा ऊपर से नीचे 2g cos थीटा। अब ये टेंजेंट थीटा बन गया, तो अपने को यही प्रूव करना था, 2g t² r tangent थीटा, हेंस प्रूव, हेंस इट इज प्रूव। प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अनुराग, उसमें आप ये देख लो कि वेरिएबल किस सेंस में दिए हुए हैं, जैसे वेरिएबल टी स्केयर में था, अपा टी स्केयर निकाल के रख लो। सर वो मैं टी कर रहा था सर, इसलिए एक वेरिएबल रेंज थी वो निकाल के रख ले, बस डिवाइड कर दो, कुछ मत सोचो, अपने आप कट कटा के आंसर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 के बाद बोलिए कोई डाउट है तो, ये क्वेश्चन खत्म हो गए सर? नहीं है डाउट। ये 12th क्वेश्चन डाउट है बेटा, देख लो फिर भी, जिसका नहीं है वो भी देख लो 12th को। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट इज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, 12th क्वेश्चन, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40, तो डायग्राम तो फट से बना लिया गया। ओके, ये 13 है शायद, मैं 12 द्वारा पढ़ता हूँ। शो दैट रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इज सेम, आपको ये शो करना है कि दो एंगल पे रेंज सेम होगी अगर उन एंगल का सम 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना, बहुत आसान है प्रूफ इसका। आप पहले आर अल्फा निकाल लो, u² sin 2α/g, क्लियर। अब आप आर बीटा निकाल लो, u² sin 2β/g, बीटा को अल्फा में ले आओ, यहाँ से 90 - α लिखते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, u² / g sin of 2
90 माइनस अल्फा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। बेटा जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम हो, मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का, मैं उसको वो सेंड कर दूंगा, मेरे से मांग लेना, तुम्हारे पास होगा। जिसके पास नहीं है ट्रिग्नोमेट्री बेसिक, ये बहुत जगह पे यूज होगी, ये सारे एंगल्स वहाँ मैंने सॉल्व करके बताए हूँ। 180 माइनस 2 अल्फा होता है साइन 2 अल्फा, ये जब भी 180 माइनस थीटा हो आप उसको साइन थीटा लिख सकते हो। अब ये वाला और ये वाला दोनों बराबर आ गए, तो यहाँ से आपने क्या प्रूव कर दिया, आर अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ से हमने प्रूव कर दिया आर अल्फा इज इक्वल टू आर। बताओ कोई डाउट है तो इसमें बेटा, एनी अदर डाउट? नो सर। ओके, देखिए अब इसके अंदर ना आपको तो नहीं क्यों 15 डाउट, ये तो कंपटीशन वाले लेक्चर में भी आ गया। 15 डाउट आपको याद होगा जो बच्चे कंपटीशन के, वर्टिकल वेलोसिटी को बराबर कर दो, रेशो पूछा हुआ इसने u1 u2, कोई भी चीज देखो एक बार 15 देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास क्या दिया हुआ है, एक बॉडी को फेंका इधर से और एक बॉडी को यहां से ऊपर फेंक, एक को इधर वेलोसिटी u1 से एक को u2 से, ये एंगल है 60 डिग्री। अब दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह पर पहुंच जाती है, दोनों एक ही टाइम पर एक ही जगह पर तभी पहुंच सकती हैं जब इसकी ये वेलोसिटी और इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी सेम हो। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर कितनी बनेगी, u1 साइन 60 रूट थ्रू 3/2। अगर ये वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर नहीं होगी तो ये ऊपर नीचे होंगी सेम टाइम पे, एक जगह पे नहीं होंगी, एक जगह पे नहीं होंगी, तो ये आपके पास क्या बन गया, u1 रूट 3/2 इक्वल टू u2। बस बंदा क्या कहना, यहां से बेटा इनका रेशो पूछा हुआ है, चेक कर लो, असाइनमेंट है इनकी 5 पेजेस है उसमें आ जाएगा। और बताओ बेटा 15 के अलावा आपने किए, आज कर लेना, मंडे को टेस्ट है। देखिए इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर स्टार्ट होगा, ये अलग चैप्टर ही है, अभी नहीं शुरू करूंगा इसको मैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग ट्यूजडे से स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आपका काम ये है कि आप इसके पीछे शॉर्ट वेरी शॉर्ट पे आ जाना। आज वेक्टर के शॉर्ट वेरी शॉर्ट आपने कर लिए थे शायद, नहीं किए तो वो भी कर लेना, इसमें प्रोजेक्टाइल के भी वेरी शॉर्ट है, तो दो दिन आप इन शॉर्ट वेरी शॉर्ट 80 क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम 80 तक आप ये सारा पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना, आगे पीछे होके पढ़ लेना, कोई बात नहीं। यहाँ पर है लास्ट 80th क्वेश्चन, इसमें आप सर्कुलर मोशन के छोड़ देना, वेक्टर और प्रोजेक्टाइल के शॉर्ट आंसर्स आप सारे कर लेना, ये आपका होमवर्क है आज का। ज़्यादा काम नहीं है आज करने को, आज हमने आपके डाउट ले लिए, चैप्टर वाइंड अप कर दिया, मंडे को टेस्ट अनाउंस कर दिया आपका सब्जेक्टिव, और कंपटीशन वालों ने 1 to 70 क्वेश्चन के डाउट लेने हैं इवनिंग में 8:30। कुछ और किसी को पूछना तो पूछ लो। सर्कुलर मोशन हम लोग ट्यूजडे से शुरू करेंगे, कल आपका कंप्लीट ऑफ है सर। ये सर्कुलर मोशन भी काइनेमैटिक्स में आएगा? बेटा काइनेमैटिक्स ही चल रही है, इसी का ही पार्ट है, 2-dimensional मोशन में आएगा, सर्कल में। आपने कितने वेरिएबल पढ़े हैं ना पहले, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, वो सारा इसमें आएगा। अब इनके डायमेंशंस भी मैं रिपीट कर दूं आईसी में और इसके न्यूमेरिकल। बट ये हम ट्यूसडे को आएंगे, मंडे को टेस्ट है, आज 8:30 पे कंपटीशन क्लास है एंड दिस इज एंड ऑफ द प्रोजेक्टाइल थ्योरेटिकल। और वो 18 प्लस और 10 माइनस ध्यान रखना है, और 25 तो मैंने बता ही दिया ये हो। 10 से 18 के बीच में एवरेज होंगे, एवरेज है जो 18 के नजदीक होंगे वो गुड होंगे, 18 प्लस अच्छे होंगे, 20 प्लस बहुत अच्छे होंगे, 25। सो दिस इज ऑल फॉर द डे बेटा, वीकेंड एंजॉय करो, हेल्थ बना के रखो, डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और खुश रहो।